नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में अधिवक्ता संघ के वकीलों ने एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। गौरतलब है कि वर्ष 2012 से वकील अपनी सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रोटेक्शन एक्ट को जब विधानसभा में लाए तो मध्य प्रदेश सरकार के ही 3 मंत्रियों ने इस एक्ट का विरोध कर दिया। इस विरोध से पूरे प्रदेश के वकील आग बबूला हो गए। छतरपुर में वकीलों ने कांग्रेस सरकार और मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर मोहित बुंदस को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर वकीलों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे भी छतरपुर में हुए कन्हैयालाल आत्मदाह कांड की तरह कदम उठा सकते हैं। विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी पेश हुआ था उसका मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों ने विरोध किया था, जिसके क्रम में हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं ने आज कार्य से विरत रहने के लिए आज ये हड़ताल की है तथा राज्यपाल महोदय के लिए कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित ही आगे चलकर सारे अधिवक्ता प्रदेश के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मंत्रियों ने चूंकि ये बहुत दिनों से 2012 से हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पेंडिंग था और राज्यसभा में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी जो कहा था वो पेश हुआ, तो उसका 3 मंत्रियों ने गोविंद सिंह राजपूत और जीतू पटवारी और मरकान ने जो विरोध किया है हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, उसका हम सारे अधिवक्ता घोर निंदा करते हैं, उनकी विरोध करते हैं उनके इस प्रस्ताव का। हम लोग पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे जैसा कन्हैया लाल ने किया, हम लोग आत्मदाह कर लेंगे और जिसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार होगी, क्योंकि नेताओं को अपनी सुविधा में कोई कटौती नहीं करते हैं, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कटौती कर रहे हैं, आए दिन लूट कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ रेत का उत्खनन हो रहा है अवैध रूप से, सारे पार्टनर है मध्य प्रदेश सरकार के, मंत्री पार्टनर है, लुटेरे हैं, इसलिए हम उनकी उनका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू। इस बुलेटिन में इतना ही। छतरपुर की तमाम खबरों के लिए आप पेप्टिक टाइम के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक करें। नमस्कार। प्ले एजुकेशन देती है बच्चों को विस्तार, खेल खेल में शिक्षा और संस्कारों का समावेश, बच्चों को बनाता है जिंदगी के लिए परफेक्ट। न्यू मॉर्निंग प्ले स्कूल तैयार करता है ऐसे बच्चे जिन पर आप करें गर्व। न्यू मॉर्निंग प्ले टू एर्थ, अ प्ले स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर डिलीवरिंग फैसिलिटी के साथ, अ कैंपस लाइक द सेकेंड होम फॉर किड्स, एक ऐसा स्कूल जो बच्चों की मानसिकता को समझकर उन्हें देता है सरल और सहज शिक्षा, एनटीटी क्वालिफाइड टीचर्स जो अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को करते हैं कल के लिए तैयार, लर्न बाय फन पद्धति के जरिए ब्रेन एंड फिजिकल डेवलपमेंट बेस टॉयज की सुविधा, स्केटिंग गेम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, एजुकेशनल ट्रिप्स टू एक्सपोज चिल्ड्रन, ऑडियो वीडियो एंड कंप्यूटर फैसिलिटी, ब्यूटीफुल एंड फर्निश्ड क्लासरूम्स, शहर के हर कोने से बच्चों को लाने के लिए परिवहन सुविधा, हम देते हैं बेस्ट फैसिलिटी विद लोअर फी। एडमिशन के लिए संपर्क करें न्यू मॉर्निंग प्ले स्कूल, महोबा रोड गुरुद्वारे के सामने, छतरपुर।